नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, लाल मिर्च का एक ऐसा उपाय है जिसे पूरी दुनिया करती है। इसे करने से सुखी जीवन और धन संपत्ति की आगमन होती है। दोस्तों, लाल मिर्च का उपाय हम जरूर करते हैं और आप भी जरूर करिए, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। बीमार व्यक्ति, खाट पर पड़ा व्यक्ति भी इस उपाय से ठीक हो जाता है किसी भी समय। दोस्तों, लाल मिर्ची का यह उपाय आप किसी भी शुभ दिन में कर सकते हैं। होली हो, दिवाली हो, सावन हो, या कोई भी शुभ अवसर हो, या कोई भी शुभ नक्षत्र हो, शुभ मुहूर्त हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह सात लाल मिर्च से आपके हर काम बन जाएंगे। इससे कर्ज का नाश होगा, दुखों का नाश होगा, शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, नजर दोष, पितृ दोष, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, दुश्मनों की समस्या एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही ज्यादा परेशान कर देती है, जीवन को बद से बदतर कर देती है, और जिसके जीवन में बहुत ही ज्यादा अधिक दुश्मन होते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अधिक दुश्मन हो जाने के कारण किसी का भी मन 24 घंटे विचलित रह सकता है, गुस्से में रह सकता है, जिसके कारण जीवन बिल्कुल बर्बाद जैसा ही हो जाता है। और कई बार तो कुछ लोगों के दुश्मन ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाओं का, ऐसे तंत्र और ऐसे काले जादू को करवा देते हैं जिसके सामने वाले पर हर प्रकार की पीड़ा आ पड़ती है, हर कार्य बिगड़ने लगता है। 24 घंटे के अंदर ही उसके मन में तनाव, चिंता, परेशानी बनी ही रहती है, रात की नींदें उड़ जाती है, बल्कि सपनों में भी ऐसे डरावने सपने आने लगते हैं कि कुछ भी समझ नहीं आता। दोस्तों, खाते समय, पीते समय, कोई भी कार्य करते समय एक अजीब सा डर ऐसे व्यक्तियों के मन में बना रहता है, अजीब सी उलझन बनी रहती है और 24 घंटे ही बेचैनी बनी रहती है। तो ऐसे में किस प्रकार से इन शत्रुओं से छुटकारा पाया जाए, वे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे दुर्लभ टोटके के बारे में जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हर प्रकार का शत्रु बिल्कुल पीछे हटना शुरू हो जाएगा। अगर आपके मन में आपके प्रति नफरत का स्वभाव है तो वह स्वभाव से उसका ही नुकसान होने लगेगा और वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि अगर कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो अपने ही माया जाल में खुद ही फंस जाएगा और अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर लेगा। इस टोटके से आप बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं, उसके हर बार को नाकाम कर सकते हैं, उसकी हर हरकत को, जिससे वह कोई भी नुकसान आप या आपके परिवार पर ना पहुंचा सके। तो इसके लिए आपको एक विधि करनी है। जो विधि आप करने वाले हैं उसके बारे में आप जान लें, किस प्रकार ये टोटका करना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए, इस टोटके को करने के लिए आपको 7 सूखी हुई लाल मिर्च लेनी है, 1 तांबे का लोटा लेना है और 16 काली मिर्च लेनी है। और इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार, मंगलवार, बुधवार के दिन खास तौर पर आप किसी भी समय इस प्रयोग को कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए तांबे के लोटे में जल भर लें और लाल मिर्च और काली मिर्च को जल में डुबो कर रख देना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर सकता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ऐसे में अगर आप शेयर करके किसी की मदद करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति सदैव ही जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होकर धन धान्य में भोग विलास करते हुए अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, दूसरों की मदद करने का सबसे सस्ता और सुगम साधन है वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को अपनी जरूरतों के समय पर वीडियो से सहायता मिले और वे उपाय करके अपने जीवन में भी उजाला कर पाए। दोस्तों, 7 लाल मिर्च और 16 काली मिर्च तांबे के लोटे में डाल देने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई ऐसे दुश्मन जिसे आप जानते हैं, उसकी कोई चीज है,
तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। वह चीज कोई भी हो सकती है, उसका रूमाल, उसके कपड़ा या उसकी शारीरिक चीजें, ये भी आप ले सकते हैं, जैसे कि नाखून, बाल वगैरह वगैरह। अगर आपको ये सब सामान ना मिले तो उसका पेन आदि कोई भी उसकी वस्तु आप ले ले तो अति उत्तम होगा। अगर आपको कोई भी वस्तु नहीं मिलती है और आप अगर अपने दुश्मन को जानते हैं तो उसका केवल नाम ही काफी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी भी काले कागज पर नीले पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। अगर आपको काला कागज नहीं मिलता है तो आप काले रंग का चार्ट भी लेकर आ सकते हैं और किसी भी पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख दे और उसी लोटे में जल में डुबो कर रख दे और इस जल को ढककर के अपने घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में इस लोटे को रख दे, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा में जो कोना या जगह है वहां पर आप इसको ध्यान से रख दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि लोटे को आपको किसी भी कपड़े से ढककर रख देना है। अगर आपके पास काला रूमाल है तो ये और भी अच्छा होगा। आपको इस तरह से रख देने के बाद बैठकर रोज 11 दिन तक एक मंत्र आपको बता रहे हैं। यह एक उच्चारण मंत्र है, इसका आपको उच्चारण करना है। महाकाली का यह मंत्र है जो शत्रुओं से मुक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम महाकाली शत्रु नाशाय क्लीम ओम फट। इस मंत्र को आप लिख कर रख लीजिए और इस लोटे के सामने 11 दिन तक रोज एक माला यानी कि 108 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। लोटे को वहीं पर ढककर रख देना है और बिल्कुल भी उसे खोलना नहीं है दोस्तों। उसके बाद आपको 11 दिन के बाद इस जल को गिरा देना है, लाल मिर्च और काली मिर्च को और उस कागज को निकाल कर धूप में सुखा लेना है और जल को आपको ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंकना है, बल्कि इस जल को आपको बाथरूम में जाकर फ्लश कर देना है। इसके अंदर का जो सामान है, लाल मिर्च, काली मिर्च, कागज, जब धूप हो तो उसमें अच्छी तरह से इसे सुखा लीजिए और फिर इन्हें कपूर लेकर कपूर की सहायता से जला देना है। और जब ये चीजें जलती हैं तो आपको एक माला फिर से उसी मंत्र का उच्चारण करना है जो भी हमने आपको वीडियो में बताया था। जब जलकर के राख बन जाए तो इस राख को भी टॉयलेट में डालकर फ्लश कर देना है। बस इतना मात्र करने से आप खुद देखेंगे कि जो भी आपके शत्रु हैं आपके सामने नहीं रह पाएगा और उसके मन में बेचैनी चिंता बनने लगेगी। अगर ये आप पर कुछ करने की कोशिश करेगा तो उल्टा उसके ऊपर ही चढ़ जाएगा, यानी कि जितने भी वार वह आपके लिए करेगा, जितने भी गड्ढे वह आपके लिए खोदेगा, वह खुद ही वार सहन करेगा और उन खड्डों में खुद ही गिर जाएगा। वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप उससे पहले से ही अगर उसने आप पर कुछ किया है तो वह भी उतर जाएगा। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली और प्रचंड प्रयोग है। हम आपको बता दें कि ये उपाय बहुत ही तीव्र और अचूक होते हैं, इसलिए आप सभी वीडियो की विधि को ध्यान से समझ लीजिए। चाहे तो आप एक बार और वीडियो को देख लें और अच्छे प्रकार से विधि को समझने के बाद ही आप इसको करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में माँ काली या फिर माता जी के नाम का आप एक बार जयकारा अवश्य लगाएं, क्योंकि माँ की कृपा के बगैर कोई भी उपाय सफल नहीं होता है। इसीलिए आप एक बार जय माता दी, जय माँ काली अवश्य लिखें और उसके बाद ही आप इस उपाय को करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।